और सुनाओ शेखर। सोच रहा हूँ अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे छोटे बेटे के साथ करवा दूँ। ये तो खुशी की बात है। कैसी हो बहन? हाँ ठीक ही हूँ। तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। चाहो तो बेटे से पूछ लो। ठीक है मुरली। हाँ पापा। हेलो। हेलो अंकल। शेखर मामा अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं, क्या तुम राजी हो? जैसा आप ठीक समझे। ठीक है बेटा जाओ। ठीक है पापा। फौरन हाँ कर दी, बेटा हो तो ऐसा। मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। ठीक है शुरू कर दो। कैसे हो बेटा? अच्छा। क्यों जी, घर में बड़ा बेटा कुंवारा बैठा और आप छोटे की शादी करना चाहते हैं? सुना नहीं उसने क्या कहा? कि तुम्हारा छोटा बेटा और मेरी बेटी दोनों पढ़े लिखे हैं और हमारा बड़ा बेटा ये गुंडागर्दी करेगा, गाड़ियां उठाएगा, तो इसे पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी? स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो मुझसे, इसे अनपढ़ लड़की ही मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अब तू कब आया बेटा? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आईला स्केच आ गया, लगता है ड्राई डे मनाना पड़ेगा, माल कम पड़ जाएगा। हे बड़ी स्केच, कम मैम, तुम तो कुछ ड्रिंक नहीं करेंगे ना, कुछ पिएगा क्या? आर स्केच, अबे क्या कर रहा है? रुक जा रुक जा, थोड़ी तो छोड़ दे, लगता है बहुत टेंशन में। व्हाट मैन, आटली बाटली खाली, मेरे को इसका ही सहारा चाहिए। क्यों क्या हो गया? मेरा बाप बिना वजह मेरे पे भड़कता रहता है। अरे पैसा मैं नहीं, तू देगा मैन, तू चुप कर। शेखर मामू पता है? आई नो, तेरा पापा का फ्रेंड ना? हां वही, वो अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई से करना चाहता है, ये उसकी पसंद है। माँ को टेंशन हो गया कि बड़ा घर पे बैठा और छोटी की शादी कैसे करे। तो मालूम है क्या बुड्ढा क्या बोला? इससे तो कोई जाहिल गांव और अनपढ़ ही शादी करेगी। अनपढ़ लड़की में बुराई क्या है? अनपढ़ लड़कियां भी क्यूट होती है मैन, अंकल से ये उम्मीद नहीं था। कपड़े ए मैन चकना का, ऐसी लड़की भगा के लाऊंगा कि बुड्ढा देख के बौखला जाएगा। तुम्हारा नजर में ऐसा कोई लड़की है? तेरा गिलास भी गया। कॉलेज में गाड़ी उठाते टाइम एक लड़की को देखा था। कौन? वही जो थैंक्स बोली थी? शी इज माइन। अबे वो मेरी टक्कर की नहीं है, इसने थैंक यू नहीं बोला था। तेरी वाली कॉलेज में और भी है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जिसका अंदाज था थोड़ा खट्टा थोड़ा मिट्टा, मैं उसी से फेरे लूंगा। ए मैन, जो बहुत चपर चपर कर रहा था वो ना, उसको लगा मैंने गलत किया करके आड़ी बढ़ रही थी। किसी और के हक के लिए लड़ने की अदा बहुत कम लोग में पाई जाती है, समझा? इसी पे मैं बिक गया। मस्त है, बट तेरा कनेक्शन जुड़ने को नहीं सकता है, वो लड़की ब्राह्मण है। तेरे को कैसे पता बेटा? जिस तरह गाड़ी का साउंड से तुमको गाड़ी का एज मालूम पड़ता ना मैन, वैसे अपने को लड़की के वॉक से उसका रेज्यूमे पता चल जाता है। डिग्री लिया क्या? नो मैन, ओनली पीएचडी की है। मैं जाकर उसको प्रपोजल देता हूँ, हाँ बोलेगी तो लाइफ से चलता हूँ। भाई तू एक घूंट ले ले और एक हफ्ता भी ले ले, फिर भी तुझसे नहीं हो पाएगा। एक हफ्ता का है, तू दो दिन में करके बताता हूँ। गुड लक मैन, बारिश होने वाली है। घर भाई ने उसको दिल पे ले लिया है। वो देख कुमार आ गया। पकड़ से ए, एक डबल हक्का नूडल लेके आ, बहुत भूख लगी है। क्या बात है, आज एमएलए के साथ आया है? यहाँ से जिंदा लौटने का ये एमएलए तेरा वारंटी कार्ड है। देखा, बहुत बड़ा आदमी बन गया। पहले अपुन को देख के सलाम ठोकता था, आज देख कैसे सामने बैठा है। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला आज मेरे धंधे में मेरी बराबरी करेगा। ये क्या है, आते इस पर शुरू हो गया तू? और क्या, कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है, जल्दी टपकेगा। एमएलए, इसको काम की बात करने के लिए बोल। शिवा तू अब कुछ नहीं बोलेगा। कुमार तू शिवा को अपना काम करने देगा, ना तो ये तेरे रास्ते में कभी आएगा और ना तू इसके रास्ते में कभी आएगा। क्या बात है, तेरा मतलब है कि अपुन इस झंगुर से डर के रहे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कुमार। निकल ले वरना तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा दूंगा। ये क्या किया तुमने? कॉम्प्रोमाइज ऐसे करते हैं? मैं क्या करता है एमएलए, शुरू उसने किया खत्म मैंने कर दिया। चैन से हक्का नूडल भी नहीं खाने देते। कल रात खतरनाक गुंडे शिवा की एक हादसे में हत्या हो गई। पुलिस का कहना है कि ये किसी गैंग वॉर का काम है। पुलिस खूनी की तलाश कर रही है। बेवड़े के जैसा तेरा थोबड़ा है, उल्लू के जैसी तेरी आंखें है, और चला है लड़की पटाने। अगर गाड़ी उठाने का चैलेंज लिया होता तो ठीक था, मगर ये क्या बे, लड़की पटाने का चैलेंज? थू, खुद को क्या कौला पुट्टा समझ रहा है? टेम पे शादी होती तो तीन लड़के होते। अब ठेंगा ले ले तू। देर हो रही है। कहाँ हो? आ रही हूँ। आ
आज तो एकदम अंगार लग रही है। सॉरी 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 सॉरी। चलो कम से कम आ तो गई, पर तुम्हारी वजह से ना आज फिर हम कॉलेज के लिए लेट हो गए। क्या करेंगे? इसकी भैंस की टांग। स्केच, इधर काय को बुलाया? ए, तूने बोला था ना? नहीं, तूने बोला था ना कि लड़की मेरे से बात नहीं करेंगी? बोल। बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। वो लड़की बात क्या, तुझे घास भी नहीं डालेगी। जा बे, कल टेनिस कॉर्नर पे मैंने उसको प्रपोज किया सपने में। वो मेरे पे फिदा हो गई, लेकिन बगीचा, थिएटर और दरिया मेरे को पसंद नहीं है। तो मैं बोला अगर मैं तेरे को जचता हूँ तो कल पीली ड्रेसिंग मार के आ। कौन सा कलर? येलो कलर। राइट चॉइस, सही है ना? टू मच सही। अभी बस आने वाली है। आधे घंटे से कितना बस आया गया मैं। ये बस आ गई, बस आ गई। ढक डालो मेरे को, वो मेरे को देखनी नहीं चाहिए। स्केच ब्रदर, स्केच दादा, येलो येलो लकी फेलो। मैंने तो तुझका मारा बोल तो सब पढ़ गया। क्या हुआ? इसकी माखियां। प्रिया, ये साड़ी सलवार में कैसे बदल गई? कभी कभी तुक्के भी काम कर जाते हैं। और नहीं तो क्या। चल चल चल, लेट हो रहा है। मैंने कहा हेलो। दो चार आ रहे। अभी लाया। अमीषा का फोन आ रही है। ले तू इंग्लिश में बात करी मैं। दे दे दे। हेलो, क्या फोन है? हेलो मैन, बात करना। लगता है खाली तुमसे ही बात करेगी। वो दरअसल फोन पे चुरा था। इसमें क्या काटा लगा था? ये उधर देख। बोला था ना तुझे, आई मस्त लग रहे हैं। ये सुधारने वाले नहीं है। ये भी कोई जगह होती है? चर्च में तो कम से कम पीछा नहीं करना चाहिए था। कुछ ही दिनों में ये ऑफिसर हमें ज्वाइन करेंगे, नाम शक्ति। सर, इसमें डिसिप्लिन का डी भी नहीं है। शेव नहीं करता, यूनिफॉर्म नहीं पहनता, किसी ऑफिसर की रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी भी पुलिस स्टेशन में 3-4 महीनों से ज्यादा टिक नहीं पाता, और इसके एनकाउंटर की लिस्ट तो बहुत लंबी है सर। अगर सच कहूं तो ये पागल है सर। क्राइम रेट कम हुआ या नहीं? शक्ति सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल स्क्वाड ऑफिसर, आज के बाद तुम सब इसको रिपोर्ट करोगे। इसे अपॉइंट करना है या नहीं ये पूछने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, अपना डिसीजन बताने के लिए बुलाया है। पागलों को पकड़ने के लिए हमें उनसे भी बड़ा पागल चाहिए। अरे स्कूल से उल्टा मारा क्या? एग्जाम चल रहा है। चलो चलता हूँ। संभल कर जाइए। अरे माँ, मैं उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ दूंगी। बोल दो, मेरे पैर सलामत है। किधर है ब्रदर? नदी पे चड्डी धो रहा हूँ। मेरे पास चड्डी भार न्यूज है, मेरा भाभी होटल में और तेरा भाभी भी। अच्छा, सुबह सुबह किसको राग बतोले तेरा बे? ट्रस्ट मी मैन, खाली इधर आना एक बार। क्या मैन, ये स्केच किधर रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? अरे वो देख आ गया। एकदम सही कटिंग है ना मेरी। 26 कौन सी ड्रेसिंग में? क्रिसमस ट्री माफिक। अबे लार मत तुम, ब्लैक फ्राइडे का को बन के है? अबे वो मेरी सूरत से नहीं सीरत से लव करती है। इधर ही छे। किधर? उधर। ये तो बहुत पानी का होटल है बे। अपना बजट तो 5 स्टार का है। बाट की चाय पीते ना मैन। अबे मौका दे। सही बोल रहे हैं। चाय पीने वाली का गिले मार दे। चिंदी चाले छोड़। अंदर से फ्री की शक्कर लाना। तू एज कर। देख लंगूर आ गया तेरे बर्थडे पे मुफ्त का केक खाने। क्या मैन, इतना बड़ा होटल है पर अंदर बत्ती नहीं जला है। होटल को गॉगल पहना है रे। यू मीन आंखों की ठंडक के लिए? मेरे को लगा बिल नहीं भरा। खाओ ना। रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है। ए मैन, स्केच के साथ नहीं जा सकता पर कस्टमर बन के तो जा सकता है ना। गॉड गुडनेस ग्रेशियस। मुझे तो लगा था। अरे लंगूर तो जा रहा है। आज फ्रेंडशिप करके ही रहेगा। ले पकड़। ए मैन, केक काय को? बर्थडे तो अपन भी विश करें क्या? जाके मार। अरे डेथ का बात काय को करता है? तेरी भैंस की तेरी। गॉड, मेरे पे काय को एंग्री हो रहा है? अबे खुद पे हो रहा हूँ। क्या हुआ? नो आइडिया। लड़कियां हम लोगों को धुरवा समझती है, उनकी हर बात पे मुंडी हिलाते रहो। धूप में जैकेट पहनाती, रात में गोगल, तभी घास डालेगी, नहीं तो ठेंगा दिखाएगी। हर बात पे जीव जोरी करो, अगर किया तो ताली, नहीं तो गाली। उनकी लाल करोगे तभी हाथ पीले करवाएगी। हुआ क्या अंदर?
अगर फोन पे चुम्मी की रिक्वेस्ट की है तो बोले फेस टू फेस देती हूँ, फेस टू फेस आया है तो बोले व्हाट्सएप पे देती हूँ, या पब्लिक बहुत है। आहिला इस बात के लिए इतना सेंटी? अबे सेंटी तो होगा ना इंसान, अंदर इतना बड़ा पोपट जो हो गया। पर मैं अंदर हुआ क्या? सीने के अंदर गुप्ती से वार हो गए ले। ए गोली ब्रो, या मुझे सीमेंट का जान निकल गया तो अपन जैसा लांबी तो गर्ल्स के सामने टिकिस नहीं पाएगा। मैं तो बहुत बार प्लास्टर चढ़ा चुका हूँ, तू लांबी भरता रहे। बड़ा माचिस देना। नहीं रे, अबे खाली है। गोली जाके माचिस की डब्बी तोला। कांडी कम थी क्या? जीत जाऊंगा। मेरी डिंगिया का ये ए चीटिंग मत कर यार, लुंगी में पत्ता छुपाया वो निकल चल। ये अंग्रेज कितने बिंदास होते हैं यार, शर्म का तो नाम ही नहीं है। एकदम ढिंग चाल। अरे ये तो अपनी सनी लग रही है। अरे तू बस एंजॉय करना यार। एकदम कड़क क्या चल रहा है रे? मैंने कुछ आवाज सुनी, टोपी पहना रहा है क्या? क्या छुपा रहा है? मोबाइल है। चल निकाल निकाल निकाल। कहाँ से पड़ी मारा? किसका है रे? तुम्हारे खानदान में किसी की ऐसा मोबाइल लेने की औकात है क्या? वो भी इतना महंगा, पैसा किधर से लाया? भाई हम लोग ने यहाँ का सारा भंगार बेच के खरीदा है। क्या बोला? किसने बेचने को बोला? काय को बेचा? क्या भंगार है क्या? अच्छा इसका फैसला तुम लोग करोगे? अभी बताता हूँ सेठ को तुम लोग की 420। क्या हो मामू? वो चूरन पिक्चर गया था, अभी तक लौटा ही नहीं। बिजली खड़क रही है, बारिश भी तेज है। पता है ना बारिश में फटती है उसकी। जा उसको ढूंढ के ला। जाता हूँ मामू। अरे हला हला हला, गाड़ी रुको गाड़ी रुको, गेट के अंदर गाड़ी नहीं लाने का। कौन हो तुम लोग? किससे मिलेगा? तुमने अपने जिंदगी में कभी भैंस देखा है क्या? हाँ। वैसा ही लड़का इधर आया है। जैसा तुम बता रहे हो वैसा एक लड़का सीढ़ियों पे सोया हुआ है उस तरफ। हाँ। मुहिरा वर्ग डांसर थक गए लिए, उठ रहे जाने मन तेरे खरीदार आए ले। उठ जा राज दुलारे, उठ जा। ये बारिश खेतों में होना चाहिए, सिटी में काय को होता है? अबे बारिश से डरेगा तो बाउंडरों से कैसे लड़ेगा? अरे मम्मा का पापा बारिश में भीग के मर गया था। चल चूरन, हम लोग को चूरन दे रहा है? सीरियसली, तभी तो मम्मा अपने को बारिश का 4 महीने अंडरग्राउंड रखता था। बारिश से सिर्फ सर्दी होती है, कोई मरता नहीं है। तेरी मम्मा को गलत फैमिली थी। मम्मा को लेके अपन सेंटिया, बिजली और बारिश से अपना सोल कांपने लगता है। अबे चल मेरे मिट्टी के शेर, कुछ नहीं होएगा। कैच तेरे भरोसे। ये मोटा सुनामी के वो किधर था? बाथरूम में बाल्टी सिर पे डाल के छुप गया होएगा। ऐसे तो तेरी कैसेट नॉन स्टॉप चलती है, लेकिन पानी को देखते ही ठूस हो जाती है। चल रे गाड़ी निकाल,